दोस्तों वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका क्या दो अलग हिस्सों में टूट रहा है? आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि ईस्टर्न अफ्रीका की लैंड में 35 mm से भी बड़े क्रैक्स देखे गए हैं। यूएस के मैराइन जियोफिजिस्ट कैन मैकडोनल का कहना है कि फ्यूचर में अफ्रीका दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और अगर सचमुच ऐसा होता है तो फ्यूचर में वर्ल्ड में 4 से बढ़कर 5 ओशियंस हो जाएंगे, और इसके साथ ही हमें एक्स्ट्रा 8th कॉन्टिनेंट भी देखने को मिल सकता है। चारों तरफ से लैंड से गिरे युगांडा और जाम्बिया जैसे देशों के भी अपनी एक अलग से कोस्टलाइन बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अफ्रीका की जमीन दो पार्ट्स में कैसे टूट रही है? आखिर इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, और ये सब होने में और कितना वक्त लगेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये खबर पहली बार सुर्खियों में तब आती है जब 2018 में साउथ वेस्टर्न केनिया के कई किलोमीटर तक जमीन में 50 फीट गहरी और 65 फीट तक चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण बहुत से घर और रोड्स डैमेज हो जाते हैं। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, आसान भाषा में कहूँ तो जमीन के टुकड़ों का मूव करना। और अगर बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड इथियोपिया नाम की एक ऐसी कंट्री है जहाँ के अफार रीजन में 3 टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन है, जहाँ 3 प्लेट्स नूबियन, सोमाली और अरेबियन एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी बीच की खाई हर साल बढ़ती जा रही है। जिसपे साइंटिस्ट और रिसर्चर का कहना है कि समय के साथ साथ ये खाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रेड सी और इंडियन ओशन से पानी की बाढ़ आ जाएगी, जो इन प्लेट्स के बीच में बने गैप को पानी से भर देगी, जिसका नतीजा ये होगा कि अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ ही वर्ल्ड को एक न्यू ओशन भी मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये प्लेट्स कैसे मूव कर सकती हैं, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? तो दोस्तों, हमारे अर्थ के ऊपर का लिथोस्फीयर टुकड़े में है, जो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसके नीचे मैग्मा का भंडार है जो हॉट मॉल्टन स्टेट में है। अब नीचे का ये हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स और कन्वेंशनल करंट जनरेट करता है, जिसका प्रभाव ऊपर की इन प्लेट्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स फोर्सफुली मूव करते हैं, जिनमें से कुछ एक दूसरे से दूर जा रही है तो कुछ पास आकर आपस में टकरा रही हैं। और यही अफ्रीका में भी हो रहा है, जहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसके कारण 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से खाई बन रही है, जिसे जियोलॉजी में हम रिफ्ट वैली कहते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ 7000 किलोमीटर है, जो लेबनान से लेके साउथ ईस्ट अफ्रीका तक फैली है, और इसलिए इसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी कहते हैं। दोस्तों, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हम उसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली बनती है, जो हम अफ्रीका में देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने की बजाय पास आकर टकराएं तो क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे कि प्लेट्स के दूर जाने से खाई बनती है, वैसे ही पास आने से माउंटेन्स बनेंगी। एग्जांपल के लिए हम अपने हिमालय की ही बात कर लें, तो जहां क्या हो रहा है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, जिसकी वजह से माउंटेन्स बन रही है, जिन्हें हम आज ग्रेट हिमालय के रूप में देख रहे हैं। अफ्रीका की तरह ही जहां भी प्लेट्स कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही है, जिसके कारण रिफ्ट वैली के तरह ही हिमालय भी 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से बढ़ रहा है। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करना या फिर कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे से दूर जाना प्लेनेट अर्थ के लिए कोई नई बात नहीं है, पास्ट में ऐसा होता रहा है। इनफैक्ट जो आज हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस देखते हैं, ये आज से 400 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस समय का वर्ल्ड मैप जो आज दिखता है, उससे बिल्कुल अलग था। 400 मिलियन ईयर्स पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसे साइंटिस्ट ने पेंजिया का नाम दिया, जिसके अराउंड एक ही ओशियन था, जिसको पैंथलेसा कहा गया। 100 मिलियन ईयर्स के बाद पेंजिया कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होने लगा, और पैंथलेसा ओशियंस में, और वही सेम प्रोसेस आज भी चल रहा है जो आज हम अफ्रीका में देख रहे हैं। अगर बात करी जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो दोस्तों अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिवर नाइल और विक्टोरिया फॉल्स जैसे वर्ल्ड बिगेस्ट वाटरफॉल्स लोकेटेड है। तंजानिया में लोकेटेड माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन है, तो दूसरी ओर धरती का सबसे बड़ा विशाल सहारा डेजर्ट भी आपको इसी कॉन्टिनेंट में मिलेगा, जो हजारों मीलों दूर तक फैला हुआ है, जिसका साइज यूएस से भी बड़ा है। वहीं 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले सवाना के जंगल अफ्रीका के क्लाइमेट और इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए हुए हैं, जो हाथी, शेर और जिराफ जैसे वर्ल्ड के बिगेस्ट लैंड मैमल का घर है।
अब दोस्तों एक आखिरी सवाल जो आप सबके मन में आ रहा होगा कि आखिर इसका अफ्रीका पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि रुवांडा, युगांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मलावी और जाम्बिया की अपनी एक अलग कोस्ट लाइन होगी, जिसका इन कंट्रीज को फायदा ये होगा कि इन देशों को बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए केनिया और तंजानिया के पोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पुअर कंट्रीज के इकोनॉमिक स्टेटस पर पड़ेगा। प्लेट्स के अलग होने पर सोमालियन प्लेट पर छोटा सा नया और वर्ल्ड का 8th कॉन्टिनेंट बनेगा। हालांकि दोस्तों साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की माने तो अभी ऐसा होने में 5 से 10 मिलियन ईयर्स का समय और लगेगा। आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा समय, तो दोस्तों आपको बता दूं, इस तरह के जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो फट से नहीं होते, इन्हें मिलियन ईयर्स का समय लगता है। जो आज हम धरती पर स्ट्रक्चर्स देखते हैं, चाहे वो हिमालय हो या फिर और कोई, इन सबको बनने में मिलियन ईयर्स का समय लगा है। तो इससे दोस्तों एक बात तो पक्की हो गई, हम अफ्रीका को दो हिस्से में डिवाइड होता तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत को होते हमने देख लिया है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। साइंटिस्ट का कहना है कि हम शायद मानव जाति की वो पहली पीढ़ी है जो इस तरह के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की शुरुआत को ऑब्जर्व कर रही है। अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, अर्थ पर ऐसी कौन सी एक और जगह है जहां अफ्रीका की तरह ही जमीन टूटकर अलग हो रही है? दोस्तों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।